हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और ये सीरीज का सर्वाइवल पार्ट 4 है गाइस। हम देखिए गाइस, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताऊंगा कि हमको बहुत अच्छी चीज़ मिली थी, ये तो आपको याद ही होगा, बहुत अच्छी चीज़ मिली थी। और हाँ गाइस, हमारी पिकेक्स तो टूट गई थी, तो हम सोच रहे हैं कि हम आयरन की पिकेक्स से ही माइनिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह हम माइनिंग शुरू करते हैं। ये डर्ट आ रही, डर्ट को मैं सिक से तोड़ दूंगा। वही कल में सब बहुत गंदा हुआ। कल जैसे मतलब मैंने जैसे रात को, और मैं सर्वाइवल सीरीज बंद करने को गया गेम, और एकदम से मैं थोड़ी माइनिंग करने लगा तो अचानक से क्रीपर आ क्यों फट गया। वो बहुत गंदा इंसिडेंस था, बहुत गंदा इंसिडेंस था, वो बहुत गंदा फटा। इसलिए आपको आपको इस एरिया का इतना अंदाजा लगा कि पता ही चल गया होगा ये वो कितना फटा है क्रीपर। हम कंटिन्यू करते हैं, हम डायमंड को रखें यहाँ पे। हमारे पास डायमंड भी अच्छे खासे हो जा रहे हैं आजकल, बहुत प्रोग्रेस में जा रहे हैं हम। देख लो गाइस, अभी यही हादसा हुआ फिर से, वंस मोर फिर से क्रीपर आके फट गया। खुद नहीं क्या दिक्कत थी क्रीपर को, मैं से मेरे तरह की टूट रहा है। मैं सोचा थोड़ी मेरी लेवल बढ़ी हुई, तो मैं इसके आस पास लेवल लगा के पूरी वाटर बकेट डाल दूंगा, तो क्या क्रीपर भी फटेगा तो उससे डैमेज भी नहीं जाएगा इधर को। मगर चलो, तो अभी बात है फालतू की भी करते रहते हम, तो वैसे भी फालतू बात छोड़ते और हम माइनिंग करना शुरू कंटिन्यू करते। मैं सोच रहा कि फार्म बना लूँ, क्योंकि हमको फूड की बहुत कमी पड़ रही है। तो एक बार हम फार्म बनाने के लिए देख लेते कि हमारे पास सारे सामान है कि नहीं। सबसे पहले हम जो भी हमको मिला है इसको हम रख देते फर्नेस, अच्छे से कोल लगा के रखो, इसको भी रख दो, बाकी इसको भी रख दो। अब मेरे को करना ये चेस्ट खोलनी है, इसको यहाँ, एक मिनट, इसको भी हाँ, इसको यहाँ, इसको गाइस। सबसे पहले हमको एक खो भी बनानी पड़ेगी ताकि हम वो करेंगे फिर से गाइस। गाइस हमको समझ नहीं आ रहा मैं फार्म की इधर साइड बनाऊँ, उस साइड बनाऊँ कि उस साइड बनाऊँ कि उस साइड की उस साइड। गाइस मेरे ख्याल से मैं इधर ही बना देता हूँ, तो मैं उसके लिए टेम्प्रेरी ब्लॉक ले आता हूँ। ये नहीं, कवर जो मेरे पास है ना, तो बस फिर काम हो गया अपना। वैसे एक तो खबरी है कि हमारे पास डर्ट नहीं है, तो हम देख रहे हैं जस्ट हमें डर्ट हमको कहीं मिलती कि नहीं। गई सही में हमारे पास डर्ट नहीं, तो हम अपनी माइनिंग कंटिन्यू के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, तो माइनिंग अपनी कंटिन्यू करते हैं गाइस। हाँ तो गाइस, मेरा सब कुछ, मैंने पूरी अपनी इन्वेंट्री सब कुछ रख दी ढंग से। चलो गाइस माइनिंग शुरू करते हैं। गाइस मेरी एक्सपी देख रहे थी कम क्यों हो गई। ओके इधर गाइस, बहुत क्रीपर आके फटा, मैं मरते मतलब गाइस बता नहीं सकता। मेरी बहुत बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे। अरे हटे, सूखी हड्डी का, सूखी हड्डी कहीं का। चलो गाइस हम तो अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखते। गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं चेस्ट कहाँ प्लेस करूँ, मैं यहीं कर देता हूँ अभी। लार्ज चेस्ट बन गया ना, बहुत सही। तो गाइस हम अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखते गाइस। गाइस हमको एक सुपर चेस्ट, ये देखते क्या मिलता है इसमें। क्या यार, इतना कुछ खास सामान नहीं मिला, मतलब ये तो हमको पहले भी मिल चुका है, ये तो ऐसा सामान है। मौसी को वो सोन मैंने शुरू हो गया गाइस से, तो अरे अभी फिर से वही इंसिडेंस हुआ, फिर से क्रीपर आके फूटा। गाइस बहुत क्रीपर आके आसमान को फटना लग गए, पर ज़्यादा डैमेज नहीं गया क्रीपर का, क्योंकि मैं एकदम से पीछे हो गया। वैसे क्रीपर तो उसकी ग्रीन लाइन से आदमी शुरू होती है ना वैसे, तो फिर मैं उस हिसाब से फिर मैं पीछे हो गया था गाइस।
तभी मैं फटाफट रख देता हूँ यहाँ पे स्मेल्ट होने को कोल और स्मेल्ट, वरना ये स्मेल्ट ही नहीं होगा। 3 डायमंड हो गए फटाफट। तक ईमानदारी से पूरा एक स्टैक निकलता तो हम एक स्टैक हो जाएगा तो कैसे हमारे पास दो दो डायमंड के आर्मर हो जाएंगे। फिर एक हम पेन के पेन लेंगे और एक सुपर चेस्ट। गाइस देखते क्या मिलता है अकॉर्डिंग टू डायमंड्स। गाइस मैं डायमंड्स की बात करूँ, मेरे को डायमंड्स मिले जा रहे हैं। वाह व्हाट अ किस्मत, क्या बोल रहा हूँ गाइस उसको समझ नहीं आ रहा। व्हाट अ किस्मत, क्या किस्मत है। ओ बैरियर लैंड्स गाइस, अब बहुत सही, हमने बैरियर लेवल 4 पे भी हम जा चुके गाइस। सबसे पहले इसकी रखो चेस्ट, मतलब चेस्ट बोल रहा हूँ मैं, जो बैरियर लैंड्स का होगा मतलब सबको कॉन्क्रीट बैरियर, मतलब सबको कॉन्क्रीट भी मिल सकता है, ऐसा कुछ होगा वो। तभी मेरे को इतना पता नहीं है, तो बैर कॉन्क्रीट देंगे हम और कुछ दे, कुछ भी दे सकते हैं गाइस। कौन देखो गाइस, हमारे पास पहला मौसी कोबल शोन आया, ये गन देते हैं और ये दो चेस्ट को ना हम रखेंगे ऐसे। ए लार्ज चेस्ट मत बने यार, लार्ज चेस्ट मेरे को बेकार लगता है। हाँ ये फिर एक यहाँ तू तू टैगिंग क्यों, क्योंकि गाइस अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऐसे रखूँगी। ये देखो सब प्रॉपर तरीके से, पर इसको भी जो इसी सेटल हुई ना, इसको सेटल होने देते गाइस, इसको भी छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हाँ देखो गाइस गाइस एमरल्ड का। और ये गाइस हमको सैंड क्यों मिलता है ये समझ नहीं। हाँ एक मिनट, वो क्या चीज थी गाइस, ये तो गाइस ये सब नीचे गिर जा रहे हैं गाइस। ये है थोड़ा टेराकोटा सैंड, रेड सैंड, तो मतलब ये डेजर्ट का छोटा पार्ट है। तो गाइस इसको, इसके लिए तो लार्ज चेस्ट लगेगी इसलिए, क्योंकि बहुत सारे में आते हैं ये, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं गाइस ये। अरे गाइस सबसे पहले हम एक पिकैक्स और एक शॉवल बना लेते हैं आयरन की, इसमें को 6 आयरन चाहिए, हो जाएगा काम 6 आयरन में हमारा बहुत आराम। स्टिक्स बना ली, एक पिकैक्स दो और एक शॉवल बस, जहाँ पे रखो फिर आयरन। यहाँ पे जो पिकैक्स है इसको हम यूज, एमरेट को भी रख ही देते ना गाइस यहाँ पे, अभी भी इस चेस्ट में ही आ जाएगा। वैसे एमरेल्ड का इतना काम रहता है, वो अभी जो विलेजर आएंगे वही हमको दे देंगे इतना एमरेल्ड। नहीं गाइस ये पिकेक्स टूटने वाले। अच्छा मैं सही समय में गाइस पिकेक्स बना लीजिए, वरना क्या होता मुझे भी नहीं पता। गोल्ड रेस्टोन ये सब कैसे, अरे भाई इतने सारी सैंड, इतनी सारी सैंड तो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं गाइस, जिंदगी में नहीं देखी हम इतनी सारी सैंड तो। हाँ तो कोई सकता हम अभी बिना रुक के हम फिर से अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं। और भाई इसमें रेयर चेस्ट पता नहीं क्या आएगा, इसमें सुपर रेयर चेस्ट इसमें कुछ भी आ सकता है, जितने इन जितने तब तक माइनिंग करते रहूँगा, करते जाओ करते जाओ। नहीं गाइस इसमें जगह बंद करने के लिए है, सब अलग है तो हम जगह कम तो कर नहीं सकती। चेस्ट आ जाएगी तो उसको हम फटाफट चल प्लेस कर देंगे। ये चेस्ट आई, इसको कहाँ प्लेस करेगा ये, रुक जाओ कहीं, तेरे में भी सामान मिल रहा है, तेरे में भी भरा हुआ है, इसमें तो बहुत कीमती सामान भरा हुआ है। छोड़ो गाइस पहले तो अभी हम माइनिंग कर लेते हैं, फिर बाद में प्रॉपर तरीके से अच्छे से जमाएंगे गाइस।
गाइस, इस पूरे वर्ल्ड में हमारा पहला विलेजर आ चुका है। ओ भाई, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा गाइस। हम तो मैंने कंटेनर रखते गाइस अपनी फटाफट। हाँ गाइस, हमें एक और वाटर बकेट आ चुकी है, तो मतलब हम अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हैं। तो हम अगली मतलब हाँ अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हैं, तो अब वही बनाएंगे। फटाफट इस चीज़ को देता हूँ। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता को अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।